सो अपना जो चैप्टर है वो है कंपोजिशन ऑफ मैटर, और फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर यानी क्या? कोई भी पदार्थ, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। तो मैटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता वो हम देखेंगे। द पार्टिकल्स इन द सॉइल लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर हैव मूवमेंट। अब जो पार्टिकल, पार्टिकल के तीन स्टेट रहते स्टेट ऑफ मैटर, समझो कोई भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं। पहले सॉलिड जिसे हम स्थायु बोलते हैं, लिक्विड जिसे हम द्रव बोलते हैं, और गैसियस जिसे वायु बोलते हैं। जैसे आइस है, बर्फ, ये क्या है? सॉलिड। पानी क्या है? वाटर। लिक्विड, और पानी की जो वाफ होती है स्टीम, वो क्या है? गैसियस। तो ये सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो, उसमें जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उनमें क्या होती रहती? मूवमेंट यानी हलचल, है ना? एनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन द पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। अब हमने इसके पहले चैप्टर में देखे कि एलिमेंट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है वो क्या रहता? एटम। और किसी भी कंपाउंड या मिक्सचर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या रहता? मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल एटम्स होंगे, आयन्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सभी पार्टिकल के बीच में एक फोर्स रहता है जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट होती है, और वो फोर्स कौन सा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, इसमें जो भी पदार्थ है वो पदार्थ के जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद रहता है। द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल्स मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स। अब किस मैटर के अंदर पार्टिकल कितना मूवमेंट करेंगे ये किस पे से हम तय करेंगे? तो डिटरमाइन करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा रहेगा उसके पार्टिकल क्या करेंगे? ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। अब पहले हम सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू इच अदर एंड वाइब्रेट एट देयर फिक्स्ड पोजिशन। अब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स रहते वो एक में के कैसा है? बहुत नज़दीक है, यानी वेरी क्लोज टू ईच अदर, और एक फिक्स पोजीशन से वो क्या करते हैं? वाइब्रेट। वाइब्रेट यानी क्या? कंपन, उनको ऑसिलेशन होता है। इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल जगह बदलते क्या? नहीं, उनकी पोजीशन फिक्स रहती, फिक्स पोजीशन पर ही पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट होते हैं, और इसलिए किसी भी दो पार्टिकल्स में का डिस्टेंस बहुत कम होता है ना, इसलिए पार्टिकल्स जो है सॉलिड में ये कैसे रहते? एक में के बहुत क्लोज रहते। ड्यू टू दिस सॉलिड्स गेट प्रॉपर्टीज लाइक। अब पार्टिकल्स एक में के बहुत क्लोज है, उसके वजह से कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टीज सॉलिड के अंदर आते हैं। वो तीन प्रॉपर्टीज कौन थे? डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम, हाई डेंसिटी, नॉन कंप्रेसिबिलिटी। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब किसी भी सॉलिड है तो सॉलिड हम किसको कह सकते, जैसे कि अभी ये कंप्यूटर है, ये टीवी है, ये सभी सॉलिड है, आराम समझ में। तो सॉलिड को क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी निश्चित आकार, निश्चित आकारमान। शेप को हम आकार बोलेंगे, वॉल्यूम को आकारमान। तो सॉलिड की खासियत क्या है कि उसको डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड की दूसरी खासियत है कि उसकी जो डेंसिटी है, जिसे हम मराठी में घनता बोलते हैं, तो वो डेंसिटी कैसी होती है? हाई डेंसिटी। ये सॉलिड का एक गुणधर्म है। और सॉलिड का तीसरा गुणधर्म है नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी हम फोर्स लगाकर सॉलिड को शेप कम ज़्यादा कर सकते क्या? नहीं, सॉलिड जो है ये इनकॉम्प्रेसिबल, सॉलिड जो होते हैं ये नॉन कॉम्प्रेसिबल है, यानी उसके ऊपर हमने अगर प्रेशर अप्लाइड करें तो उसका शेप बदलता क्या? नहीं। तो नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी ये भी एक वैशिष्ट है। तो कुल मिलाकर हमने सॉलिड के तीन प्रॉपर्टीज देखे, कौन से
डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम, हाई डेंसिटी, नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी। उसके बाद ये फिगर हम देखेंगे 2 मिनट के लिए। अब ये जो फिजिकल स्टेट है सब माइक्रोस्कोप पिक्चर दिया है यहाँ पार्टिकल का। देखो सॉलिड के अंदर देखेंगे हम तो इंटर पार्टिकुलर का जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है। लिक्विड के अंदर देखेंगे हम तो डिस्टेंस कैसे स्वरूप का है, मीडियम। और गैसेस के अंदर देखेंगे तो पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, लार्ज। बराबर, इसका मतलब इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में है, सॉलिड, सॉलिड के अंदर। उसके बाद दूसरी फिजिकल स्टेट देखेंगे हम जिसका नाम है लिक्विड। द स्टेट ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्स इज मोडरेट इन द लिक्विड स्टेट। अब जो इंटर मोलिकुलर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है लिक्विड स्टेट के अंदर वो मॉडरेट, मॉडरेट यानी क्या, मध्यम स्वरूप की है। यानी लिक्विड के अंदर जो इंटर मोलिकुलर फोर्स है वो किससे कम है, सॉलिड से कम है, लेकिन गैस से ज़्यादा है। दो इट इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल्स इज इनडेफिनेट पोजिशन, इट इज स्ट्रांग इनफ टू होल्ड देम टूगेदर। अब हमने देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है पार्टिकल्स के अंदर का वो लिक्विड में स्ट्रांग है क्या, नहीं। लेकिन वो इतना स्ट्रांग है कि जो पार्टिकल्स है उनमें पोजिशन कैसी रहती, डेफिनेट पोजिशन रहती। इसका मतलब नॉट इनफ टू फिक्स द पार्टिकल इन डेफिनेट, पार्टिकल्स जो है वो फिक्स पोजिशन में नहीं रहते, पार्टिकल्स खुद की जगह बदल सकते। हमने सॉलिड में देखा पार्टिकल्स खुद की जगह बदल देते थे क्या, नहीं, वो जगह पर वाइब्रेट करते। लेकिन लिक्विड के अंदर जो है जो पार्टिकल्स है वो उनकी क्या करते हैं, पोजिशन, जगह बदलते हैं। बट इट इज़ स्ट्रांग इनफ टू होल्ड देम टुगेदर, लेकिन पार्टिकल एक में के क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं। आ रहा समझ में? यानी गैस में कैसा है, पार्टिकल दूर दूर है, बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वैसा है क्या, नहीं। एज अ रिजल्ट लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, अब लिक्विड को डेफिनेट शेप है क्या, नहीं, निश्चित आकार नहीं है द्रव पदार्थ को। लेकिन लिक्विड को क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम, यानी निश्चित आकार। माने एग्जांपल के तौर पर अगर 1 लीटर दूध है, हम उसका शेप बदल सकते हैं। हम बॉटल में डालें तो लिक्विड का शेप बदले अलग दिखेगा, कप में डालें तो अलग दिखेगा, कैन में डालें तो अलग दिखेगा। लेकिन 1 लीटर जो वॉल्यूम है वो बदलेगा क्या, नहीं। तुम किस में भी डालो एक वॉल्यूम रहेगा, यानी लिक्विड क्या क्या बदल रहा है, शेप बदल रहा है, लेकिन वॉल्यूम बदल रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब लिक्विड्स को क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। हाउएवर दे हैव फ्लूडिटी, यानी लिक्विड क्या करते हैं, फ्लूड बनाए उन्हें, फ्लूड यानी वो बह सकते। बराबर, एंड देयर शेप इज नॉट डेफिनेट बट चेंज इन अकॉर्डेंस विद द कंटेनर। यानी जिस कंटेनर के अंदर हम उनको डालेंगे उसके अकॉर्डेंस उसका शेप बदलेगा। अभी बोला मैं आपको कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप डालेंगे उसके जैसा वो लिक्विड क्या करता है, शेप लेता है। यानी कुल मिलाकर लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप होता है क्या, नहीं। लेकिन उनमें क्या होती है, फ्लूडिटी होती है। उसके बाद तीसरा टाइप है गैस। द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक इन गैसेस। अब गैसेस के अंदर देखे हमने पार्टिकल्स यानी जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक मेक से कैसे बहुत दूर है। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स उनमें कैसा है, वीक यानी कमजोर है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव फ्रीली एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। अब मान लो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर वाटर को क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा क्या किया, बॉइलिंग किया, तो उसकी जो स्टीम निकलेगी तो पूरे रूम में फैलेंगी। हाँ। यानी जितनी भी जगह उसे मिलेंगी, यानी जो गैसेस के पार्टिकल है उसको फिर डेफिनेट शेप है क्या, नहीं। डेफिनेट वॉल्यूम है क्या, नहीं। यानी जिस जगह हम डालेंगे उस जगह का क्या लेते, वो शेप लेते, वॉल्यूम लेते। इसका मतलब क्या हुआ, जो गैसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जैसे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, तो ये कैसे मूव फ्रीली किधर भी जा सकते हैं, रैंडम मोशन में रहेंगे, किस इन एनी डायरेक्शन, किस दिशा में जाएंगे कोई गारंटी है क्या, नहीं। एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, और उनको जितनी जगह मिलेंगी उतनी जगह में वो क्या कर सकते, फैल सकते।
constituently gases have neither neither definite shape or nor definite volume. इसका मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो गैसेस है उनको डेफिनेट शेप भी नहीं रहता और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं, यानी निश्चित आकार भी नहीं, निश्चित आकारमान भी नहीं. टेबल 6.3 शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर. अब ये टेबल हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है. देखो सॉलिड में अगर देखेंगे हम तो कैसे होते हैं, रिजिड होते, प्लास्टिक होते, इलास्टिक, ये सब गुणधर्म रहते हैं. सॉलिड का वॉल्यूम कैसा है, डेफिनेट. शेप कैसा है, डेफिनेट. कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, यानी हम सॉलिड को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. सॉलिड के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग. और जो दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यानी सबसे कम होता है ना. पार्टिकल्स एक में के बहुत नज़दीक होते हैं. लिक्विड में देखेंगे हम तो कौन सा गुणधर्म है, फ्लूइड बह सकते हो. अब फ्लूइड यानी क्या, उनमें क्या फ्लूइड जो अवस्था है, ये लिक्विड और गैस दोनों को है ना, समझ आया था ना. फ्लूइड जो है ये एक ऐसी कंसेप्ट है जिसके अंदर हम दोनों को लेंगे, किसको, लिक्विड और गैस, ठीक है. वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं, इसलिए लिक्विड में फ्लूइडिटी है. लिक्विड को वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट. लेकिन शेप होता है क्या, शेप कैसा है उसका, इनडेफिनेट, अनिश्चित है. उसके बाद लिक्विड को हम कॉम्प्रेस कितना कर सकते हैं, वेरी स्मॉल, हाँ थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं कॉम्प्रेस लिक्विड को. उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है पार्टिकल्स के अंदर कैसा होता है, मॉडरेट, यानी मध्यम स्वरूप का होता है. और जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच में का लिक्विड के अंदर, वो कैसा होता है, मॉडरेट, यानी मध्यम स्वरूप में. उसके बाद तीसरी फिजिकल स्टेट है अपनी गैसियस, जिसमें फ्लूडिटी है. लेकिन गैसियस को डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है और डेफिनेट शेप भी नहीं है, इसलिए वॉल्यूम कैसा है उसका, इनडेफिनेट, अनिश्चित. शेप भी कैसा है, इनडेफिनेट. लेकिन गैस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं प्रेशर देकर, इसलिए कॉम्प्रेसिबिलिटी कैसी है गैस के अंदर, वेरी हाई. जैसे हम किचन के लिए LPG गैस वापरते, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उतने से टाके में अपने को एक महीना पूरता उतना गैस बैठता. इसका मतलब गैस को क्या किया है वहाँ, कॉम्प्रेस किया है. जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है गैसेस के अंदर, ये कैसे होते हैं, वेरी वीक, क्योंकि पार्टिकल्स का डिस्टेंस एक मेक से बहुत दूर रहते हो, उनमें फोर्स नहीं रहता ना इतना स्ट्रांग. और दो पार्टिकल्स के डिस्टेंस कैसा रहता है, लार्ज रहता है. तो अगले वीडियो में हम देखेंगे सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर.